आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ के थाना चाराली स्थित लगभग 134 साल पुराने बाबा श्री रामदेव मंदिर में दसवीं महोत्सव। मंदिर की भव्य सजावट पेशेवर कारीगरों से नहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा ही की जाती है। कार्यकर्ताओं की करीब 5 महीनों की अटूट मेहनत और लगन के माध्यम से शीश महल का रूप देने का प्रयास। जैसा कि सर्वविदित है कि रामदेव मंदिर में साफ सफाई से लेकर सजावट का सारा काम मंदिर के कार्यकर्ता ही करते हैं। इसी परिपाटी को निभाते हुए गत मई महीने से सजावट का कार्य प्रारंभ किया गया। इस साल जब मंदिर अपनी स्थापना के 134वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, को लेपन कला के माध्यम से शीश महल का रूप देने का प्रयास किया गया है। इसमें कार्य को कई स्तर पर अंजाम दिया गया है। कार्यकर्ताओं की करीब 5 महीनों की अटूट मेहनत और लगन किस रूप में निखर कर आई है, यह तो दर्शनार्थियों को यहां आते ही पता चल जाती है। ऐसे में मालूम हो कि यूं तो बाबा रामदेव के भक्त सारे भारत में हैं और बाबा रामदेव के मंदिर देश के नामी गिरामी अंचल में हैं। नामचीन जगहों में स्थित मंदिरों में बड़ा परिसर होने के बावजूद श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन के लिए असामान्य स्थिति से रूबरू होना पड़ता है। मगर यहाँ डिब्रूगढ़ के बाबा रामदेव मंदिर में समिति का प्रबंधन इतना सटीक और उम्दा है कि श्रद्धालुओं को बाबा के पूजा अर्चना में रति भर की विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता है। समिति की महीनों पहले की तैयारी के फलस्वरूप यहाँ आए दर्शनार्थियों को अपने आराध्य देव के दर्शन से पूर्ण तृप्ति मिलती है। आरती, पूजा, बैठक आदि से लेकर प्रसाद वितरण तक के सारे कार्य इतने अनुशासित तरीके से होते हैं कि समस्त श्रद्धालु तृप्त मन के साथ अपने अपने घर लौटते हैं। मंदिर के उच्च कोटि के प्रबंधन के लिए यहाँ की समिति प्रशंसा की पात्र तो है ही, साथ ही यहाँ यह समिति अन्य धार्मिक स्थलों के लिए एक अनुसरणीय तस्वीर भी है। इसके साथ ही आयोजक बाबा श्री रामदेव सेवा समिति द्वारा अधिक से अधिक भक्तों से बाबा के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करने का आग्रह भी किया गया है। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार की रिपोर्ट। वर्ष की भांति बाबा रामदेव सेवा समिति अपना 134वां दसवीं महोत्सव भादव दसवीं महोत्सव मना रहा है। इस उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं। सुबह बाबा की पूजा आरती, उसके बाद स्वामिनि का प्रसाद, तत्पश्चात अमृत भंडारा जो कि अभी चल रहा है, उसके पश्चात रात्रि आरती है 8:30 बजे, उसके बाद 56 भोग का प्रसाद लगेगा। मैंने आज संपूर्ण दिन सुबह से ही 5:30 बजे से बाबा का कार्यक्रम चल रहा है जो रात 12 बजे तक चलता रहेगा। आज ये मंदिर असम के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। असम क्या ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे पुराना मंदिर है और यहाँ दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, अपनी मन्नत मानते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।